लेकिन मोहम्मद शमी का मैं रिकॉर्ड देख रहा था आमिर, इस वर्ल्ड कप से पहले उनकी 31 विकेटें थी वर्ल्ड कप में, और अब ये 15 विकेटें, 5 5 10 और 14 विकेटें ये मिला ले 50 हो जाए, उनकी 45 हो गई वर्ल्ड कप में, और मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन क्रिकेट वर्ल्ड कप फ्रॉम इंडिया। याद होगा जब ये न्यूजीलैंड से ये हारे थे मैच पिछला वर्ल्ड कप, तब भी शमी के ऊपर काफी ज्यादा मात लग गए थे, बातें क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है ये अपनी परफॉर्मेंस से, उसने फिर बावर कराया। उनका इकोनॉमी रेट देखें, कथा कलान 4.2 का इकोनॉमी रेट फास्ट बॉलर का, और 3 मैचेस खेले शामी अभी सिर्फ, और फर्स्ट चेंज पे आ रहे हैं अभी, और यूजुअली आपने देखा है समी भी इस चीज का बार बार जिक्र करता है कि 4-5 ओवर होते हैं अंडर लाइट्स जो स्विंग करता है बॉल, उसके बाद उनका तो रुकता ही नहीं है, डे टाइम पे भी नहीं रुकता, ऐसा कमाल स्विंग कर रहे हैं, और सीम की जो प्रेजेंटेशन है जबरदस्त। समी अंडर लाइट्स अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है बैट्समैन को, खासतौर पर ये वानखेड़े स्टेडियम, आप गए वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि बिल्कुल आबादी के बीच में वो, और पीछे नजदीक समंदर, और ऐसा लगता है कि आप अंदर स्टेडियम के अंदर बैठे हुए अगर बैठे हो, मैंने भी जहाँ कवर किया मैच, तो यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में लाइट्स में अंडर लाइट्स अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन के लिए कितनी मुश्किल होती है, सराउंडिंग्स की वजह से या पिच की वजह से? देखो विकेट तो इटसेल्फ अगर आप कहें कि अंडर लाइट हल्का था इसकी डाउन करता है, लेकिन आप बात करें स्टेडियम की, तो स्टेडियम से आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट से ठीक है, बॉलर थोड़ा सा अपने आप को पंप अप ज़रूर करता है, लेकिन थ्रू आउट बॉलिंग जिस तरह कर रहे हैं, जिन एरियाज पे कर रहे हैं, फिर आप देखें जिस तरह स्विंग और सीम कर रहे हैं कंट्रोल के साथ, अंदर भी और बाहर भी, फिर आप देखेंगे कहीं लूज डिलीवरी नहीं है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बैट्समैन आपको आके कंफर्टेबल हो, बिल्कुल स्टक किया हुआ है बैट्समैन क्रीज पे, ना फॉरवर्ड जा पा रहे हैं ना बैकफुट पे आ पा रहे हैं, तो बड़ा कंट्रोल से फिर प्लान करके आउट करें। आप देखें वाइडर ऑफ द क्रीज जाके मिडिल स्टंप पे पिच कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, एक नेक्स्ट स्किल है, स्किल लेवल इनका बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। सिराज को अगर आप देखें बेसिकली आउटस्विंग बॉलर हैं, लेकिन जहाँ वो 2-3 ओवर स्विंग भी कर रहे हैं, जहाँ वो 2-3 ओवर स्विंग उनको रुकता है, उनको आइडिया है कि वहाँ स्विंग खत्म, वहाँ फिर वो अपने विकेट के हिसाब से आ जाते हैं और वहाँ पे फिर गुड लेंथ पे अंदर करना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इनकी स्किल लेवल है। आप देखें शार्दुल ठाकुर के खिलाफ हमने यही बात की थी कि थोड़ा सा इनका एक वीकलिंग लग रहा है, वो फॉरन की वजह से शायद उसको जी हाँ, तो फॉरन जब से वो मोहम्मद शमी आए तो उनकी बॉलिंग का आप देखें ओवरऑल यूनिट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है। एमन आप क्या कहेंगी शमी की बॉलिंग के हवाले? बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं शमी, वाकई उनकी जो सीम प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से वो बॉल को मूव करते हैं और क्रीज को जिस तरह से यूज़ करते हैं, और उनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, और इस तरह के इवेंट में आपने होमवर्क अच्छा किया हुआ ना तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं और वो नज़र आ रहे हैं उनका। देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भी वो किस तरीके से बॉल करें एक अच्छी एक्यूरेट लाइन और लेंथ पर, ये एक अच्छे बॉलर की सबसे जो नाइटमेयर है ना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर राउंड द स्टंप साइड और एज ऑफ द क्रीज जाके वो आपको गेंद बाहर निकाल दें तो इम्पॉसिबल हो जाता है ना, आप क्योंकि एंगल के लिए अंदर के लिए गेंद खेल रहे हो, वो हल्का सा बाहर निकलता है तो आपके लिए वो बड़ी मुसीबत है, और जिस कंट्रोल से कर रहे हैं, आई मीन रेयरली कोई बैड बॉल करते हैं रेयरली, और जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ इनकी बॉलिंग, ये क्लोज टू द स्टंप्स आके बुमराह तो वाइड ऑफ द क्रीज, जिस तरह सामने बताया वाइड ऑफ द क्रीज जाके मिडिल स्टंप से बाहर निकालते हैं, वो बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आता। आप इनको देखें कि विकेट के पास से इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी और कंसिस्टेंट टाइनर लेंथ के ऊपर। लेकिन अब एक और चीज, अगर हम इंडिया की वो देखें जो परफॉर्मेंस है इंडिया की, जिस तरह शुरू में मैंने प्रोग्राम के कहा कि इनविंसिबल लग रही है इंडियन टीम और लोग यही कह रहे हैं, लेकिन आमिर क्रिकेट है, ये क्रिकेट में अगर चीज ऊपर गई तो डिप भी हो सकता है, वन शुडंट फॉरगेट दिस, तो आता है आप जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जितना ऊपर गया नीचे आएगा धड़ाम से तो गिरते हैं, लेकिन बात यह है कि गिरने की कोई सूरत क्या है, दो मैच खुद गंदा खेलेंगे बाकी दो मैच में कहीं गिर सकते हैं, व्हेन दे रियली गेट कंप्लेसेंट और बिल्कुल जो आके अगली टीम को कुछ समझ के नहीं, जिस तरह प्रैक्टिस नहीं करने आते हैं उस तरह आके खेलेंगे, बाकी दो मैच में ये कंप्लेसेंट हो सकते हैं, रिलक्टेंट हो सकते हैं, किस लिए आप देखें मैं तो आपसे ये पूछ मैंने भी दिया था किस लिए अब आप बताएं किस लिए नहीं, आप क्योंकि एक इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम की कि कोई टीम हरा नहीं पा रही, और उसके बाद अगर कोई एक आध मैच हार जाती है तो किस लिए? हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो टीम है बड़ी वेल राउंडेड टीम है, उसमें कोई शक नहीं,
लेकिन जब ये इस तरह का गेंद स्विंग होगा तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेट मी टेल यू। और इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोबेबली द बेस्ट इंडियन टीम आई सीन। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अपने तीनों गेस्ट के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस वे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और जोश जागेगा हफ्ते के दिन जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें जो बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम है वहां मध्य मुकाबले होंगी। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना जरूरी है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक मैच श्रीलंका से बाकी है और पाकिस्तान का एक मैच इस मैच के बाद इंग्लैंड से होगा। और फिर अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि कल अफगानिस्तान नेदरलैंड के खिलाफ खेलेगा तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। और ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस बाकी हैं, लेकिन ये कहना आज ये हम कह सकते हैं कि आज भारतीय क्रिकेट टीम जो है कन्फर्म सेमीफाइनल में पहुंच गई 14 पॉइंट के साथ, और 12 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका है वो भी तकरीबन सेमीफाइनल में पहुंच गया। बाकी टीमों के दरमियान मुकाबला है। आमिर, अगर हम भारत की पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नज़र डालें तो आप देखिए साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों का प्लस में आ गया नेट रन रेट आज के इस स्कोर। हाँ, आज के इस स्कोर के बाद 350 बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, और साउथ अफ्रीका ने भी यही किया, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता है। पाकिस्तान का कैसे बेहतर होगा? देखिए, आपने मैच जीतना है, रन रेट पे नहीं जाना। आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने सेकंड लास्ट ग्रुप का मैच खेलना है। उस वक्त तक न्यूजीलैंड के भी मैचेस पूरे होंगे, 11 नवंबर को अफगानिस्तान के भी मैचेस पूरे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस पूरे होंगे। हमें एक एडवांटेज जो टीम कंटेंशन में है, क्योंकि कल अगर अफगानिस्तान मैच जीतता है जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वो 8 पे चले जाएंगे। सो तीन टीम के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। सो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एम होना चाहिए वो सिर्फ ये है कि मैच जीते। ये जो कैलकुलेशंस आ रही हैं कि ये 83 रन से हराएं, 35 ओवर्स में रन स्कोर करें अगर कोई टारगेट मिलता है, ये किस तरह प्लस में आएगा? ये तो लास्ट मैच पे जाके होगा ना। लेकिन वो चाह रहे हैं कि माइनस से हम नहीं माइनस, आप अगर न्यूजीलैंड से जीतेंगे आपका बेहतर होगा, उनका नीचे आएगा, इसी तरह ही होता है ना। सो आपने सिर्फ मैच जीतना है। 83 की मुझे तो कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही कि इतना करें भाई। आपका लास्ट मैच जो है वो है 12 को आखिरी मैच है राउंड का, ठीक है? उस वक्त तक सबके मैचेस पूरे हो चुके होंगे। आपको एडवांटेज है, एडवांटेज है बहुत बड़ा। आप आराम से कैलकुलेट, हर तरह की कैलकुलेशन के साथ, क्लियर माइंड के साथ ग्राउंड के ऊपर आएंगे। हाँ, अगर आपको अच्छे मार्जिन से ये मैच मिल जाता है, अच्छा खेल के, लाइक आप उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आपका फोकस है मैच जीतना, उसमें आप अच्छे मार्जिन से जीते हैं तो आपका जो है वो प्लस में आ सकता है। ये